इस वीडियो में देखने में मैथ का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। एक कार 6 घंटे में 224 किलोमीटर की दूरी तय करती है, डेढ़ गुनी दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति कितनी प्रतिशत कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए 6 घंटा में जो है 24 किलोमीटर, यानी कि इसका स्पीड जो हो गया आप लिख लेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो स्पीड कितना ही बढ़ा दिया जाए कि जो है 240 किलोमीटर का डेढ़ गुना गति उतना ही समय में प्राप्त कर लें। तो डेढ़ गुना करेंगे तो 240 को डेढ़ गुना करेंगे 3/2 तो 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर जो है सो 6 घंटा में तय करना है, 360 किलोमीटर 6 घंटा में, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पहले जो है पहले से कितना वृद्धि हुआ, 20 का, तो -40 करेंगे तो आपके पास जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है सो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही आंसर है। 20 किलोमीटर की वृद्धि की जाए स्पीड में जो 6 घंटा में तय कर सकेगी गाड़ी। बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।